दोस्तों YouTube पे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अपने चैनल पे 200, 300, 150 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जो YouTube पे एक महीना, छः महीना, आठ महीना, एक साल, डेढ़ साल, दो साल तक काम कर रहे हैं, लेकिन उसका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन उन चैनल में से काफ़ी ऐसे चैनल है जिसका चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है। आपने कभी सोचा है कि उन्होंने अपने चैनल पर ऐसा कौन सा चीज़, ऐसा कौन सा यूनिक चीज़ अपने चैनल पर लाए जिससे उसका चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है? जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, टेक चैम्पियन सपोर्ट, नित्या के सपोर्ट, उसके बाद यूट्यूबर बनो, ये जो चैनल है कौन से यूनिक चीज़ को फॉलो किया जिसके कारण का जो चैनल है बाकी चैनलों से अलग होकर बहुत ही तेज़ी से आपका चैनल ग्रो हो गया। आपने कभी सोचा है गा? आपने कभी सोचा है? आपने कभी भी नहीं सोचा होगा, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी वीडियोस पे, अपने चैनल पे ध्यान दिया और जैसे वीडियोस अपलोड करते जा रहे हो उसी तरीके से वीडियोस अपलोड करते जा रहे हो, ठीक है। मैं भी वही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी आपकी तरह ही वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ यूनिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से अगर हम वीडियोस अपलोड करते जाएंगे तो कभी भी हमारा चैनल ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो हम जैसे छोटे क्रिएटरों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस जगह पर आपको बहुत सारी यानी कि काफ़ी टाइप का आपको ऑडियंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। कुछ ऑडियंस ऐसा होता है जो कि एंटरटेन पसंद करता है, कुछ ऑडियंस ऐसा होता है जो कि एडुकेशनल वीडियोस पसंद करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी ऑडियंस होता है जो सिर्फ अपने टाइम पास करने के लिए यूट्यूब पे आता है, ठीक है। तो आपको अपने ऑडियंस को समझना होगा, ठीक है। यूट्यूब पे प्रेजेंट टाइम में जो भी ऑडियंस है वो मैक्सिमम ऑडियंस मसाला मिर्चदार जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। यह दोस्तों टेक चैम्पियन सपोर्ट और यूट्यूबर बनो, ये अपने जो ऑडियंस है उसे अच्छी तरीके से समझ चुके, ठीक है। इसी के कारण उसका चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो गया, ठीक है। मैं आपको टेक चैम्पियन सपोर्ट का जो चैनल का ग्रो है उसका मैं ट्रिक को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर आप उसका स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का जो जाननी है, ठीक है, अगर आपने नोटिस किए होंगे उन्होंने अपने चैनल पे छोटे क्रिएटर को लेकर बड़े क्रिएटर सभी के साथ मीटअप करते हैं, ठीक है। मीटअप करते 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 क्या हुआ, सभी के ऑडियंस उसको पहचानने लगे, ठीक है। पहचानने के बाद क्या हुआ, उसका जो प्लस पॉइंट है वो अपने वीडियोस के अंदर, अपने चैनल के अंदर मसालेदार वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अपलोड करते हैं, ठीक है। एक बात आपको जान लेना चाहिए कि यूट्यूब का जो प्रेजेंट ऑडियंस है, ठीक है, वो मसालेदार वीडियोस बहुत ही पसंद करते हैं, ठीक है। और इसी के कारण उसका चैनल इतना जल्दी से ग्रो हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है किया जा रहा है, ठीक है, अपने रिलेटिव्स या फिर अपनी जान पहचान को, आपको जिससे पसंद आ गया आप उसे आप प्रमोट करो, ठीक है। लेकिन जो सच में यूट्यूब पे काम कर रहा है, सच में मेहनत कर रहा है, उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उसको मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यूनिक काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ही सोचो, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो कि अपनी वीडियोस, अपने चैनल पे वीडियोस बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाए, यूट्यूब का ये अपडेट, यूट्यूब का वो अपडेट, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने का क्या तरीका है, यूट्यूब पे एसईओ किस तरीके से किया जाता है, टैग्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है यूट्यूब पे, यानी कि ट्यूटोरियल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्रिएटर हैं, ठीक है। लेकिन उनका चैनल वायरल क्यों नहीं हो रहा? आपने कभी सोचा है कि उसका चैनल क्यों वायरल नहीं हो रहा है? तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसका चैनल पे कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रमोट करने की वजह से उसका चैनल काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगा और आज वो यूट्यूब पे टिप्स बताते हैं कि इस तरीके से यूट्यूब पे ग्रो हुआ जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हमने जैसे क्रिएटर उन सभी को फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन हम जैसे क्रिएटर हम सभी क्रिएटर को फॉलो नहीं करते, ठीक है। यही है यूट्यूब के काली सच्चाई, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो होना है, ठीक है, तो आपको ऑडियंस को समझना होगा, जो मसालेदार वीडियोस होता है, ठीक है, उसे आपको क्रिएट करना होगा। सिंपल तरीके से अगर काम करोगे तो यूट्यूब पे आप ग्रो नहीं हो पाओगे। दोस्तों जितना हो सके आप कोलैबोरेशन वीडियोस बनाने की कोशिश कीजिए, अपने जो अपना जो ऑडियंस है यानी कि अपने जितने भी क्रिएटर है उनके साथ मिलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको लोग नहीं पहचानेंगे आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है आपको अपने वीडियोस के अंदर कुछ अलग करने की कोशिश करना ही होगा, ठीक है, तब जाके आपका चैनल ग्रो होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियोस को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब देख लिए अच्छे रहे।